प्रो कबड्डी सीजन 10 बेंगलूर लेग आरंभवागिदे। बेंगलूर लेग अल्ली तवरु क्रीडांगणदल्लादरू नम्म बेंगलूरु गूळिगळु गुंतार अंद्रे सतत एरडने पंद्यदल्ली बेंगलूरल्ली कूड सोतिद्दारे। इन्नु मोदल एरडु पंद्यगळल्ली कूड सोलुंडिद्रु। सतत नाल्कने सोलु इदु। ಹರಿಯಾಣ ವಿರುದ್ಧ 32-38 ರಲ್ಲಿ ಪರಾಭವ ಕಾಣ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು। ಕಂಠೀರವ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಅಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು ಎದುರಾಯಿತು। ಮೊದಲ ರೈಡ್ನಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಭರತ್ ತವರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ತುಂಬಿದ್ರು। ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕಾಗದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಸ್ ಒದ್ದಾಡ್ತು। ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಯೋಧಾಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಇತ್ತು। ಇಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಯೋಧಾಸ್ನ स्टार रेडर प्रदीप नरवाल इद्रे। इन्नोंद कडे टाइटन्स नली स्टार रेडर पवन सेरावत इद्रु। इवरिब्बर नडुविन पंद्यदल्ली यूपी योदास गे गेलुवायितु। ओटारे बेंगळूरु निरंतरवागि सोलु काण्ता इद्दु बेंगळूरु बुल्स कबड्डी अभिमानिगळिगे निराशे उंटु माड्ता इदे। नहीं, बहुत ही स्पीड में हाफ टाइम से पहले जो है बहुत जल्दी लोना ही उन्होंने देना था, लोना खुद और बहुत कवर किए हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस कर दिया, बहुत ज्यादा डिफरेंस है लेकिन धीरे धीरे कवर हो गए। लेकिन वो बात और भरत के परफॉर्मेंस के बारे में आज अच्छा करा था उनके बारे में। हाँ, धीरे धीरे हर मैच में प्रोग्रेस कर रहा है। स्टार्टिंग में 2 मैच डाउन था, पहला मैच भी अच्छा, अब भी अच्छा है काफी। अगर ऑफेंस में कहें तो भरत के ही पॉइंट है। आई सपोर्ट सर, भरत पे कहीं भी प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है बिकॉज रेडिंग डिपार्टमेंट में उनको उतनी मदद नहीं मिल रही है। भरत पे प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको रेडिंग डिपार्टमेंट मदद नहीं मिल रही है उनके टीम में। हाँ, ये भी बात ठीक है क्योंकि पहला मैच भी और अब भी थोड़ा प्रेशर में तो है क्योंकि दूसरा सपोर्ट कम मिल रहा है। हालांकि डिफेंस भी इतना अच्छा नहीं खेला जितना खेलना चाहिए था। आपसे सवाल है, पिछले दो मुकाबले से आपका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इंडिविजुअल अपने परफॉर्मेंस को? कुछ नहीं सर, मेरी परफॉर्मेंस ज्यादा ही क्या टीम आ रही है, मैं जब 10 नंबर निकाल रहा हूँ या सुपर 10 या 12-13 कोई फायदा नहीं है, टीम ही आ रहा रहता है। हेलो, ये फिर से आपका मतलब थर्ड कंसेक्यूटिव लॉस था, बट भरत अगेंस्ट फोर वेरी गुड टेक, मतलब सुपर 10 करा उसने, तो मतलब आपका आज क्या ये पॉजिटिव है आपके लिए या आप उसको नेगेटिव की तरह देख रहे हैं? नहीं, भरत नेगेटिव क्यों देख रहे हैं, भरत तो जो है हर मैच में प्रोग्रेस कर रहा है। पहले क्या था बाद में क्या आया, हर मैच में प्रोग्रेस हो रही लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, भरत को सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए था। जैसे कि नीरज था इसका साथी, वो इतनी गलती कर चुका है, पूछो मत, तो इसको सपोर्ट कम मिला। सर, आपसे सवाल है, अगला मुकाबला 11 दिसंबर को यूपी उदास के खिलाफ है और वो एक शानदार जीत के साथ इस मुकाबले में, मतलब आज भी मुकाबले में पिछला मुकाबला उनका बहुत ही अच्छा था, क्या प्लान्स होंगे यूपी को लेके, क्या सोच है? बिकॉज अब 4 लगातार आ रहे हैं आपके यहाँ, उनका मैच देखेंगे, जो हमारे डिफेंस से गलती हुई उनको अगले मैच में और गलती नहीं करेंगे, जो इनको सुधारेंगे गलतियों को, जो मिस्टेक होगी शुरू में ऑल आउट हरियाणा स्टील होने दी वो हमारे से मिस्टेक हो गई, नीरज ने मार दी फिर वो ऑल आउट हमारे वो आ गया वापिस, फिर वो मिस्टेक डिफेंस से ही रेटर ने तो अपना काम कर दिया था। वो सब यूपी को लेके मैच होने वाला, उसके क्या प्लानिंग होगी आपकी? देखो, अभी तो इनका मोर डाउन नहीं होने देना, मेरा मेन मकसद ये है। अभी तो मतलब 4 ही मैच हुए हैं, अगर मोर डाउन हो गया तो बहुत लंबा है, तो इनके बारे में भी बहुत सोच रखा था। लेकिन ये देखने की बात है ना कि जो टॉप रेटर है विकास कंडोला, 2 में बोनस नहीं कर पा रहा, तो इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, मेन प्रॉब्लम ये है। लेकिन स्ट्रेटेजी तो हर मैच में हर उसके चलती है,
लेकिन स्ट्रेटेजी फॉलो करें तभी बेनिफिट है ना। मैं इनको बार बार कहता हूं, मैं जो बता रहा हूं वो फॉलो करो। जीत जो है, अगर हारते मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, हार मेरी जीत तुम्हारी, लेकिन फॉलो तो करो ना। फॉलो नहीं कर पा रहे। अब स्ट्रेटेजी इतनी बनाई जाती है, जैसे इसमें बहुत स्ट्रेटेजी बनाई थी सिद्धार्थ पे, टोटली फेल कर दिया सौरभ। लेकिन जो दूसरे थे वो पॉइंट निकाल दें, जो मेन लीडर इन्होंने टोटली फेल है, दो तीन पॉइंट निकाल के चलना, लेकिन जो मेन लीडर वो पॉइंट ले गए डिफेंस से। बदलाव तो आज भी किया है। अच्छा, कौन नहीं किया? नीरज बाहर ले लिया, नीरज को बाहर लिया, जब दो दो तीन तीन मिस्टेक कर चुका, सुशील को अंदर ले आएगा, अब अभिषेक को भी किया, क्योंकि अभिषेक स्टार्टिंग से इसलिए नहीं कि इंजुरी से उभरा था, तो आगे मैचों के अनुसार स्ट्रेटेजी तो चेंज की जाएगी, क्योंकि अभी बहुत मैचेस बाकी हैं, अभी से एकदम से मोर डाउन इनका करना भी एकदम से गलत है।